इंद्र की कलम से के साहित्यिक मंच पर मैं शिफाली शर्मा एक बार फिर आपके लिए उपस्थित हूँ एक संस्मरण लेकर। यह संस्मरण हिंदी जगत के स्वनाम धन्य लेखक और रचनाकार श्री नागार्जुन द्वारा लिखित है। इस संस्मरण में नागार्जुन ने महान साहित्यकार प्रेमचंद के जीवन वृत्त की भावात्मक प्रस्तुति की है। इस जीवन वृत्त में लेखक ने जहां प्रेमचंद के जीवन की विभिन्न घटनाओं और परिस्थितियों का उल्लेख कर उनकी गरीबी और घुटन भरे जीवन की ओर संकेत किया है, वहीं स्वतंत्रता संघर्ष में उनके बेबाक और निर्भीक योगदान को भी रेखांकित किया है। प्रेमचंद ने अपने लेखन के माध्यम से भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों का तीव्र विरोध किया है। केवल 56 वर्ष की आयु में प्रेमचंद हिंदी साहित्य को सैकड़ों कहानियां और दर्जनों उपन्यास दे गए। कथा साहित्य में उन्हें अपूर्व ख्याति मिली और हिंदी साहित्य जगत ने उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि से विभूषित किया। तो आइए सुनते हैं श्री नागार्जुन द्वारा लिखित यह संस्मरण रूपी जीवन वृत्त, जिसमें उन्होंने महान साहित्यकार प्रेमचंद के विषय में लिखा है। गोरी सूरत, घनी काली भौहें, छोटी छोटी आंखें, नुकीली नाक, बड़ी और गुच्छी हुई विरल मूछों वाला यह मुस्कुराता चेहरा किसका है? यह चेहरा प्रेमचंद का है। लगता है अभी हंसने वाले हैं, लगता है अभी जोरों से कहकहे लगाएंगे। वाराणसी से 6 किलोमीटर दूर लम्ही में शनिवार 31 जुलाई सन 1880 को धनपत राय का जन्म हुआ। यद्यपि माँ बाप ने नाम रखा था धनपत, पर चाचा लाड प्यार से कहा करते थे नवाब। पिता का नाम था अजायब राय, डाकखाने में किरानी थे, इसी से लोग उन्हें मुंशी अजायब लाल कहा करते थे। माता का नाम था आनंदी, अक्सर बीमार रहती थी, पिता को दवा दारू से फुर्सत नहीं मिलती थी। धनपत 7 वर्ष का ही था कि माँ चल बसी। माँ के बिछोह ने धनपत के बचपन का सारा रस सोख लिया। कुछ वर्ष बाद मुंशी अजायब लाल ने दूसरी शादी कर ली। अभाव तो पहले से ही था, वे माता का निष्ठुर व्यवहार भी उसमें आ मिला। नई माँ बात बात पर डांटती, उसे धनपत में बुराइयां ही बुराइयां दिखती। कदाचित प्रेमचंद अपने उपन्यास कर्म भूमि के पात्र चंद्रकांता के द्वारा खुद अपनी ही व्यथा सुना रहे हैं। बचपन वह उम्र है जब इंसान को मोहब्बत की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। उस वक्त पौधे को तरी मिल जाए तो जिंदगी भर के लिए उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं। मेरी माँ के देहांत के बाद मेरी रूह को खुराक नहीं मिली, वही भूख मेरी जिंदगी है। और यही कारण था कि बालक धनपत घर आंगन से भागकर बाहर खुले मैदान में, अमराई में, खेतों की तरफ निकल जाता था। साथियों के साथ गुल्ली डंडा खेलता था, पेड़ों पर चढ़ता था, आम की कैरियां चुनता था, मटर की फलियां तोड़ता था, हवाई किले बनाता था। गरीबी, घुटन और रूखेपन से त्राण पाने के लिए बालक धनपत ने इस तरह एक सहज रास्ता निकाल लिया था। रोने खींचने वाली परिस्थितियों पर कहकहे हावी होने लगे। प्रेमचंद ने बचपन से ही मुसीबतों पर हंसना सीखा था। पिता का तबादला गोरखपुर हुआ, बच्चे भी साथ गए। गांव के मदरसे से शहर का स्कूल अच्छा था। धनपत की तबीयत पढ़ने में लग गई, गुल्ली डंडे का खेल पीछे छूट गया, शहरी नजारे आगे सरक आए, किताबें चाटने का चस्का इसी उम्र में लगा। हजारों कहानियां और सैकड़ों छोटे मोटे उपन्यास धनपत ने इसी उम्र में पढ़ डाले। यह साहित्य उर्दू का था, हमारा कहानीकार शायद पैदा हो चुका था। रात को अकेले में ढिबरी की मध्यम रोशनी में उसने गल्प रचना शुरू कर दी। बीसियों पन्ने यों ही लिख जाना और उन्हें फाड़ डालना, यह सब कितना अच्छा लगता होगा तब धनपत को। उन्हीं दिनों पिता ने शादी करवा दी, निश्चय ही उसमें सौतेली माँ की राय भी रही होगी। जो लड़की धनपत के लिए चुनी गई थी वह धनपत को कभी पसंद नहीं आई। पुत्र के पांवों में अष्टधातु की बेड़ियां डालकर मुंशी अजायब लाल ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अपनी इन दिनों की दशा का वर्णन प्रेमचंद ने जीवन सागर में किया है। पांव में जूते न थे,
देह पर साबुत कपड़े न थे, महंगाई अलग थी, रुपए में 20 सेर के जौ थे। स्कूल में 3:30 बजे छुट्टी मिलती थी। काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़ता था। हेडमास्टर ने फीस माफ कर दी थी। इम्तहान सिर पर था, पर मैं एक लड़के को पढ़ाने बांस फाटक जाता था। जाड़ों के दिन थे। 4 बजे पहुंचता था, पढ़ाकर 6 बजे छुट्टी पाता। वहां से मेरा घर देहात में 8 किलोमीटर पर था। तेज चलने पर भी 8 बजे से पहले घर न पहुंच पाता। प्रातःकाल 8 बजे फिर घर से चलना पड़ता था। कभी तो वक्त पर स्कूल भी न पहुंचता। रात को खाना खाकर कुप्पी के सामने पढ़ने बैठता और न जाने कब सो जाता। फिर भी हिम्मत बांधे रहता। गरीबी, पिता की मृत्यु, खर्च में बढ़ती, असामान्य परिश्रम, कुप्पी के सामने बैठकर रात की पढ़ाई। जैसे तैसे द्वितीय श्रेणी में मैट्रिक पास किया। गणित से बेहद घबराते थे। इंटरमीडिएट में 2 बार फेल हुए। निराश होकर परीक्षा का विचार ही छोड़ दिया। आगे चलकर 10-12 वर्ष बाद जब गणित के विकल्प में दूसरा विषय लेना संभव हो गया, तभी धनपत राय ने यह परीक्षा पास की। हमारे भावी उपन्यास सम्राट के पास एक फूटी कौड़ी न थी। महाजन ने उधार देने से इनकार कर दिया था। बड़ी विवशता से पुरानी पुस्तकों को लेकर एक पुस्तक विक्रेता के पास पहुंचे। वहीं एक सौम्य पुरुष से, जो एक छोटे से स्कूल के प्रधानाध्यापक थे, उनका परिचय हुआ। उन्होंने इनकी कुशाग्रता और लगन से प्रभावित होकर अपने यहाँ सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त करने का आश्वासन दिया और दूसरे दिन इन्हें 10 रुपए मासिक वेतन पर नियुक्त किया। 1919 में बीए भी कर लिया। विषय लिए थे अंग्रेजी, फारसी, इतिहास। वे एमए भी करना चाहते थे, कानून भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन परीक्षाओं की तरफ से उदासीन हो गए थे। जब उमंग थी तब गणित ने बाधा पहुंचाई। अब जब वह बाधा दूर हुई तो जीवन का लक्ष्य ही बदल चुका था। इनकी पहली शादी उनकी विमाता, जिसे वे चाची कहते थे, और चाची के पिता की राय से रचाई गई थी। लड़की प्रेमचंद से उम्र में बड़ी थी, ढीठ और नासमझ भी थी। पति से भी लड़ती थी और पति की सौतेली माँ से भी। 10-12 वर्ष तक, यानी 1905 तक, धनपत राय ने पहली बीवी का साथ जैसे तैसे निभाया, किंतु जब उसके साथ एक दिन भी निभाना मुश्किल हो गया तो शिवरानी देवी नाम की एक बाल विधवा से शादी करके धनपत राय ने समाज के सामने भारी साहस और आत्मबल का परिचय दिया। धनपत राय पढ़ाकू तो थे ही, कलम भी चलने लगी। मैट्रिक पास करने से पहले ही उनको लिखने का चस्का लग गया था। पढ़ाई और ट्यूशन आदि से जो वक्त बचता, वह सारा का सारा किस्से कहानियां पढ़ने में लगाते। इससे कहानियों का जो भी असर दिमाग पर पड़ता, उसे अपनी सहज कल्पनाओं में घोल घोल कर वे नई कथा वस्तु तैयार करने लगे और वह कागज पर उतरने भी लगी। 1901-2 में उनके 1-2 उपन्यास भी निकले। कहानियां 1907 में लिखनी शुरू की। अंग्रेजी में रविन्द्रनाथ की कई गल्प रचनाएं पढ़ी थी। प्रेमचंद ने उनके उर्दू रूपांतर पत्रिकाओं में छपवाए। पहली कहानी थी संसार का सबसे अनमोल रत्न, जो 1907 में कानपुर के उर्दू मासिक जमाना में प्रकाशित हुई। जमाना में धनपत राय की अन्य रचनाओं का प्रकाशन 1903-4 से ही शुरू हो गया था। 1904 के अंत तक नवाब राय जमाना के स्थायी और विशिष्ट लेखक हो चुके थे। 1905 तक आते आते प्रेमचंद तिलिस्मी, अय्यारी और काल्पनिक कहानियों के चंगुल से छूटकर राष्ट्रीय और क्रांतिकारी भावनाओं की दुनिया में प्रवेश कर चुके थे। जमाना उस समय की राष्ट्रीय पत्रिका थी। सभी को देश की गुलामी खटकती थी। विदेशी शासन की सुनहरी जंजीरों के गुण गाने वाले गद्दार देशद्रोहियों के खिलाफ सभी के अंदर नफरत खोलती थी। शाम को जमाना के दफ्तर में घंटों देशभक्तों का अड्डा जमता। प्रेमचंद को राष्ट्रीयता की दीक्षा इसी अड्डे पर मिली थी। एक साधारण कथाकार वही युगदृष्टा साहित्यकार के रूप में ढलने लगा। बड़ी से बड़ी बातों को सीधे और संक्षेप में कहना या लिखना प्रेमचंद ने यही सीखा। नई पत्नी के साथ रहने लगे, तब से लिखाई का सिलसिला जम गया। 1905 से 1920 के दरमियान प्रेमचंद ने बहुत कुछ सीखा। अनेक छोटे बड़े उपन्यास,
सैकड़ों कहानियां, पत्र पत्रिकाओं में निबंध और आलोचनाएं भी कम नहीं लिखी। मास्टरी के दिनों में भी लिखते रहे थे। स्कूल के सब डिप्टी इंस्पेक्टर थे, अक्सर दौरे पर रहना होता था, फिर भी रोज कुछ ना कुछ लिख लेते थे। 1920 के बाद ज्यादातर वे हिंदी में ही लिखने लगे। माधुरी पत्रिका के संपादक होने पर उनकी प्रतिभा और योग्यता की झलक हिंदी संसार को मिलने लगी। फिर भी जमाना को प्रेमचंद की मौलिक उर्दू रचनाएं लगातार मिलती रहीं। 1930 में प्रेमचंद की कहानियों का एक और संकलन जब्त हुआ, समर यात्रा। प्रकाशित होते ही अंग्रेजी सरकार ने इस पुस्तक को आपत्तिजनक घोषित कर दिया। सरस्वती प्रेस से पुस्तक की सारी प्रतियां उठा ली गईं। अब वे अपना निजी पत्र निकालना चाहते थे। पत्र पत्रिकाएं संपादित करने की दीक्षा दरअसल प्रेमचंद को कानपुर में ही मिल चुकी थी। 1905 से ही जमाना और आजाद के कॉलम उनकी कलम के लिए खेल का मैदान बन चुके थे। सन 1921-22 में काशी से निकलने वाली मासिक पत्रिका मर्यादा का संपादन बड़ी कुशलता से किया था। अब वे मंजे हुए पत्रकार थे। फलतः 1930 में हंस निकला और 1932 में जागरण। हर दर्जे की ईमानदारी और अपनी ड्यूटी अच्छी तरह निभाने की मुस्तैदी, खुद तकलीफ झेलकर दूसरों को सुख पहुंचाने की लगन, सौ सौ बंधनों में जकड़ी हुई भारत माता की स्वाधीनता के लिए आतुरता, बाहरी और भीतरी बुराइयों की तरफ से लोगों को आगाह करने का संकल्प, हर तरह के शोषण का विरोध, अपनी इन खूबियों से प्रेमचंद खूब लोकप्रिय हो उठे। प्रेमचंद का स्वभाव बहुत ही विनम्र था, किंतु उनमें स्वाभिमान कूट कूट कर भरा हुआ था। दिखावा उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, कुर्ता और धोती। 1920 के बाद गांधी टोपी भी अपना ली थी। सरकारी नौकरी और स्वाभिमान में संघर्ष चलता ही रहता है। आखिर में जीत हुई स्वाभिमान की। 1920 में सरकारी सेवा से त्याग पत्र दे दिया और गांव जाकर जम गए। कलम चलाकर 40-50 रुपए की फुटकर मासिक आमदनी होने लगी। बड़े संतोष और धीरज से वे दिन प्रेमचंद ने गुजारे। 1921 में काशी के नामी देशभक्त बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने 150 रुपए मासिक पर प्रेमचंद को मर्यादा का संपादक बना दिया। पहले संपादक बाबू संपूर्णानंद असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होकर जेल पहुंच गए थे। मर्यादा को संभालने के लिए किसी सुयोग्य संपादक की आवश्यकता थी। 1922 में संपूर्णानंद जी जेल से छूटे तो उन्हें मर्यादा वाला काम वापस मिला, लेकिन बाबू शिव प्रसाद गुप्त प्रेमचंद को छोड़ना नहीं चाहते थे। काशी विद्यापीठ में उन्हें स्कूल विभाग का हेडमास्टर नियुक्त कर दिया। 1930 में प्रेमचंद स्वयं राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़ना चाहते थे। सत्याग्रहियों की कतार में शामिल होकर पुलिस की लाठियों के मुकाबले डटना चाहते थे, किंतु जेल जाने का उनका मनोरथ अधूरा ही रह गया। पत्नी ने सोचा, कमजोर हैं, अक्सर बीमार रहते हैं, इनको जेल नहीं जाने दूंगी, सो वे आगे बढ़ी। सत्याग्रही महिलाओं की कतार में शामिल हुई, गिरफ्तार होकर अपने जत्थे के साथ जेल पहुंच गईं। प्रेमचंद मन मसोस कर रह गए। मजबूरी थी पर तसल्ली थी, हर परिवार से एक आदमी को जेल जाना ही चाहिए। उन दिनों यह भावना जोर पकड़ चुकी थी। यह दूसरी बात है कि वे कभी गिरफ्तार नहीं हुए, कभी जेल न गए, मगर प्रेमचंद स्वाधीनता संग्राम के ऐसे सेनापति थे जिनकी वाणी ने लाखों सैनिकों के हृदय में जोश भर दिया था। स्वाधीनता के लिए जनता की लड़ाई का समर्थन करते समय प्रेमचंद ये कभी नहीं भूले कि आजादी केवल एक व्यक्ति के जीवन को सुखमय नहीं बनाएगी, मुट्ठी भर आदमियों के लिए ऐशो आराम नहीं लाएगी, यह बहुजन सुखाय बहुजन हिताय होगी। 1923 में सरस्वती प्रेस चालू हुआ। प्रेमचंद की आजाद तबीयत को नौकरी भाती नहीं थी, स्वाधीन रहकर लिखने पढ़ने का धंधा करना चाहते थे। प्रेस खोलते वक्त उनके दिमाग में यही एक बात थी कि अपनी किताबें आप ही छापते रहेंगे, मगर प्रेमचंद अपने प्रेस को वर्षों तक नहीं चला सके। किताबों का प्रकाशन करके कागज और छपाई बंधाई का खर्चा निकालना मुश्किल था। 1930 तक प्रेस की हालत खराब रही, फिर भी प्रेमचंद का लहू पी पी कर किसी तरह चलता रहा। इसमें जो कुछ कसर थी उसे हंस और जागरण ने पूरा कर दिया। घाटा घाटा और घाटा, कर्ज कर्ज और कर्ज,
बार बार निश्चय करते थे कि दोबारा नौकरी नहीं करेंगे, अपनी किताबों से गुजारे के लायक रकम निकल आएगी। बार बार जमकर प्रेस में बैठते, बार बार पुराना कर्ज पटाकर नए सिरे से मशीन के पुर्जों में तेल डालते थे। काम बढ़ता था, परेशानियां बढ़ती थी, बुढ़ापा भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ता जाता था। पढ़ने लिखने का सारा काम रात को करते थे, तंदुरुस्ती बीच बीच में टूट जाती थी। दवा दारू के लिए शिवरानी रुपए देती तो वे उस रकम को भी प्रेस में खर्च कर डालते, फिर वैद्यों और हकीमों से सस्ती दवाइयां लेते रहते। आराम बिल्कुल नहीं करते थे, पूरी नींद सोते नहीं थे, खाना भी मामूली किस्म का खाते थे। 1936 के बाद दशा कुछ बदली जरूर, मगर प्रेमचंद का परिश्रम और भी बढ़ गया। उनका जीवन ऐसा दीप था जिसकी लौ मध्यम नहीं तेज प्रकाश देने को मजबूर थी, पर उस दीप में कभी पूरा पूरा तेल नहीं डाला गया। लौ हमेशा बत्ती के रेशे को ही जलाती रही। उनकी बेचैनी इसलिए थी, वे चाहते थे कि जीवन दीप का प्रकाश दूर दूर तक फैले, वक्त पर फैले, अच्छी तरह फैले। अपनी सारी किताबें, अपना सारा साहित्य अपने प्रेस में ही छपवा कर समूचे देश में फैला देना चाहते थे। किसानों, मजदूरों, युवकों, विद्यार्थियों, स्त्रियों और अछूतों की दर्दनाक जिंदगी को आधार बनाकर जो कुछ भी लिखें, सभी कुछ छाप कर जनता को सजग सचेत बना देने का संकल्प प्रेमचंद के अंदर हिलोरे ले रहा था। अधिक से अधिक लिखते जाना, अधिक से अधिक छपते जाना, अधिक से अधिक लोगों को जागरूक बनाते जाना, शोषण, गुलामी, ढोंग, दंभ, स्वार्थ, रूढ़ी, अन्याय, अत्याचार, इन सब की जड़ें खोद डालना और धरती को नई मानवता के लायक बनाना, यही प्रेमचंद का उद्देश्य था। तभी तो हानि लाभ की भावनाओं से निर्लिप्त रहकर प्रेमचंद अंत तक लिखते रहे। नींद नहीं आती थी, बीमारी बढ़ गई थी, प्रेस जाना बंद था, फिर भी आप घर वालों की नजरें बचाकर उठ जाते और कलम तेजी से चल पड़ती, इतनी तेजी से कि जीवन समाप्त होने से पहले ही सब कुछ लिख देना चाहते थे। मैं मजदूर हूँ, जिस दिन न लिखूं उस दिन मुझे रोटी खाने का अधिकार नहीं है, ये शब्द उनके होठों के केवल आभूषण ही नहीं थे बल्कि सच थे। फिल्मों के द्वारा जनता तक अपने संदेशों को प्रभावशाली ढंग से पहुंचाने और साथ ही अभावों से मुक्ति पाने के लिए वे मुंबई गए, किंतु धनपत को धनपतियों का सहवास और मुंबई का प्रवास रास नहीं आया, वह उनकी अभिलाषाओं की पूर्ति नहीं कर पाया। फिर वही प्रेस, फिर वही प्रकाशन, फिर वही घिसाई। रातों रात जागकर प्रेमचंद ने गोदान पूरा किया। गोदान छपकर निकल आया था कि उनकी लेखनी मंगल सूत्र पर तेजी से चल रही थी। मरते मरते प्रेमचंद इस उपन्यास को पूरा कर देना चाहते थे। चार ही अध्याय लिख पाए थे, खाना हजम नहीं होता था, खून की कै करने लगे थे, पेट में पानी भर गया था, दूध, बार्ली, फलों का रस तक नहीं पचा पाते थे, पर इतने पर भी काम करने की ललक पीछा नहीं छोड़ती थी, लिखने की अभिलाषा शांत नहीं हो पाती थी, देश को अपने जीवन, अनुभव और अपने विचारों की अंतिम बूंद तक दे जाने की इच्छा चैन नहीं लेने देती थी। 8 अक्टूबर 1936 रात का पिछला पहर, प्रेमचंद ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। अभी 60 के भी नहीं हुए थे, 56 वर्ष की आयु क्या कोई लंबी आयु थी? मैक्सिम गोर्की और शरद चंद्र का देहावसान उसी वर्ष हुआ था।